आज मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ हंसी वाली बात या फिर समझ वाली बात है, बड़े बुजुर्गों की बात है, सच भी हो सकती है। तो आप सुनिएगा ध्यान से कि मेरी मम्मी की एक रिश्तेदार थी, वो हमेशा सर पकड़ के बैठती थी हर साल। तो मम्मी पूछती थी कि क्या हुआ, तो वो बोलती थी कि अरे बारे मारो माँ तो घणो दुखी रहो। तो मम्मी पूछती थी कहाँ दुखी रहो, तो वो बोलती थी कि मैं 8 साल बादाम रो हीरो नहीं खादो जड़ी मारो माँ तो घणो दुखी रहो। तो फ्रेंड्स, ये बात सच है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये मेरी लाइन समझ में आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या बोला है मारवाड़ी में। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने बादाम ली थी, इन्हें मैंने 2-3 घंटे गला दिया था पानी में और ये अच्छे से गल गई है। अभी सब बादाम का छिलका निकाल लेना है, इन्हें छील लेना है। तो मैंने ये सब बादाम छील ली है एक साथ, और अभी देखिए ये मैंने छील के लेके आ गई। अभी हमें इन्हें पीसना है, तो छोटा मिक्सी का जार लिया है मैंने और ये बादाम इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं इसे पीस लूँगी, तो एक बार तो मैं बिना इसमें दूध या पानी डाले पीस रही हूँ। तो देखिए दर दर आपको बताती हूँ कि अभी दर दर ही है, इतनी दरदरी का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और फिर पीसूंगी। थोड़ा और इसमें दूध डालना पड़ेगा, मैंने कम डाला है आगे, मुझे मैंने थोड़ा सा और दूध डाला था इसमें। तो ये मैंने दूध डाल के और इसे पीस लिया, इसे रख देंगे साइड में। अभी मैंने लिया है ये खसखस पॉपी सीड्स, तो इन्हें 2 चम्मच लिया। इन्हें भी मैंने 2 पानी से धो के और गला दिया था सेम टाइम पे, बादाम गलाई थी तभी, और इनका अभी मैंने पानी निकाल दिया है। और ये खसखस को हमें सेक के यूज़ करना है। तो ये पैन मैंने रख दिया है गैस पे, और मैंने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, मैं ऐसे ही इसे सेक रही हूँ कोरी ही। तो अच्छे से इसे सेक लेना है, जब तक ये अच्छे से उचट नहीं लग जाती ना, तब तक इसे सेकना है। जैसे हम तिल्ली सेकते हैं और वो उचटने लगती है ना, वैसा इसे सेक लेना है और तब तक ही इसे सेकना है। तो ये अच्छे से सीख गई है, अभी मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगी। तो मैंने गैस बंद कर दिया है और ये पैन गर्म है, इसलिए मैं इसे चलाते रह रही हूँ। और जो चिपकी हुई है उन्हें मैं ये स्पैचुला से ही फोड़ रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ। इसे भी मैं निकाल दूंगी एक बाउल में साइड में, और ये मैंने पैन वापस रख दिया है गैस पे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर दूध। तो अब हम बनाएंगे दूध को, थोड़ा गाढ़ा करेंगे। दूध और बादाम और खसखस से ये चीज़ बन रही है फ्रेंड्स। तो अभी ये दूध अच्छे से 3-4 उबाल नहीं आए, तब तक हमें इसे उबालना है। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है, 2-3 उबाल इसमें आ चुके हैं। अभी जो बादाम को हमने पीस के रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे पेस्ट बादाम का, और इसे ना दूध में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी मैंने जार को रख दिया है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के जो मैं बाद में उसको मिक्स करके इसमें डाल दूंगी, क्योंकि जार में, मिक्सी के जार में बहुत सारा ये चिपका हुआ है बादाम का पेस्ट। अभी ये जो हमने सेक के रखा था ना खसखस, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। आप चाहे तो जब बादाम पीस रहे थे ना तभी भी ये खसखस आप पीस सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये जब हम हलवा, मैं हलवा बना रही हूँ, तो ये जो आप खसखस अभी डाल रहे हैं ना, अक्की डाल रहे हैं, तो ये खाने में जब आप खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है, इसीलिए मैंने इसे बाद में डाला है और इसे पीसा नहीं है और सेक के डाला है। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है जब हम बादाम का ये डालेंगे ना पेस्ट, तो ये गाढ़ा होने लग जाता है। और जो ये इसमें मिक्सी के जार में चिपका हुआ था ना बादाम का पेस्ट, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के और इसमें डाल दिया है वापस पैन में, और अभी मैं इसे चला रही हूँ अच्छे से। तो अगर आपके पास ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जो कढ़ाई का पेंदे में ये चिपक जाएगा। बादाम है ये बहुत चिकटी रहती है और चिपक भी जाती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और नॉन स्टिक है तो आप बीच बीच में चलाइएगा, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट आप रुक के इसे चला सकते हैं। तो देखिए ये बबल्स आ रहे हैं ना, इनसे भी आपको बच के रहना है, ये बहुत गरम गरम हाथ पे उचटते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप ढक के सेकना इसे बनाना चाहते हैं तो आप ढक भी सकते हैं, अगर नॉन स्टिक है तवा ये कढ़ाई। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, तो जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं हलवाई ये चीज़ रहती है, कुछ ऐसी मिठाई बनाती हूँ वो बहुत कम चीनी वाली बनाती हूँ, मीठा कम, मीठा अच्छा लगता है लेकिन कम वाला, तो मैंने कम चीनी डाली है। और देखिए चलाते चलाते ये गाढ़ा होने लगा है, चीनी डालने के बाद ना ये थोड़ा सा पतला हो जाता है वापस, लेकिन फिर हम इसे सेकते रहेंगे तो ये धीरे धीरे वापस गाढ़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी रबड़ी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, या फिर इसकी आप बर्फी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने इसमें डाला है घी,
अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है आपकी तो ये बराबर रहेगा, मतलब उसमें चिपकेगा नहीं। और अगर सादी कढ़ाई है तो ये बहुत चिपकेगा, तो इसमें आपको घी ज़्यादा डालना पड़ेगा। अभी देखिए ये कढ़ाई से तो दूर हो रहा है, लेकिन स्पैचुला से अभी ये अलग नहीं हो रहा है हलवा, तो ये मैं घी और डाल रही हूँ। तो मैंने कम से कम इसमें 4 चम्मच घी डाला है, यानी कि मैंने 1 कटोरी बादाम ली थी ना, तो आधी कटोरी मैंने इसमें घी यूज़ किया है। तो आपको भी जब तक ये कढ़ाई और इसको स्पैचुला को छोड़े नहीं ना, तब तक आपको इसमें घी डालना है, और बादाम में घी लगता ही है। तो ये देखिए मैं इसमें घी डाल डाल के और इसे पोंछ रही हूँ, और ये बनाते जा रही हूँ तो धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, और इसे अच्छे से सेक लेना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हलवा बन के रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। मैंने ये बना लिया है, हो गया है ये हलवा। अभी मैंने इनमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रेसिपी जो मिठाई की बनाई है उनमें ड्राई फ्रूट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन ये खुद ही ड्राई फ्रूट का बना है तो मैंने इसमें नहीं डाला है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने आज इसमें कुछ भी नहीं डाला है, खसखस है, चीनी, दूध और बादाम, ये 4 चीज़ से ये हलवा बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और ये राजस्थान में ठंड के मौसम में बहुत बना के खाया जाता है, जैसे वो मम्मी की फ्रेंड ने बनाया, मतलब रिश्तेदार ने बनाया था। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर आती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।